Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 8th with chapter 5, playing with numbers. So in this video, we will start this chapter with exercise 5.1. So जो भी concept होंगे मैं आपको question के साथ साथ बताती चलूंगी. तो start करते हैं exercise बिना किसी देरी के. तो question number 1 में क्या दे रखा है? Write the following numbers in generalized form. ठीक है, किसी भी number को अगर हमें generalized form में लिखना है तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं. ये number given है हमें 89. तो generalized form में कैसे लिखेंगे? जो भी number given है उसकी unit place देखो क्या है. तो unit place को तो लिखो as it is, फिर plus का sign, फिर tens place पे आ जाओ, tens place को लिखो as it is और साथ में किससे multiply कर दो, 10 से. ठीक है, unit place को 1 से करते हैं, लेकिन 1 से किसी भी number को करेंगे तो answer same आएगा, इसलिए हम 1 से करके नहीं दिखाते, वो as it is लिखते हैं. ठीक है, tens place वाले को 10 से, अगर यहाँ पे 100th place होता तो 100 से multiply कर लेते. ठीक है, तो अब ये तो tens place तक है, तो हमारी ये क्या हो गई, generalized form. ठीक है, अब second part देख लेते हैं इसी का. सॉरी, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमें. ये नंबर गिवन है 408, तो देखिए कैसे लिखेंगे. 8 तो यूनिट प्लेस है, वो तो एज इट इज, फिर प्लस का साइन, फिर 0 हमारी टेंस प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, फिर प्लस का साइन, फिर 4 हमारी 100th प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, जनरलाइज्ड फॉर्म. एक और पार्ट गिवन है हमें इसका, थर्ड वो आप खुद से करेंगे. 369 गिवन है. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हमें, राइट द कोशेंट. हमें क्या निकालना है, हमें कोशेंट निकालना है. मैं आपको हिंट के लिए लिखवा रही हूँ. ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, कोशेंट. फिर व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर 23. टू डिजिट का हमारे पास कोई नंबर गिवन है. ठीक है, तो जो टू डिजिट का नंबर गिवन है वो क्या है, 23. ये नंबर गिवन है हमें. ठीक है, और क्या गिवन है, व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर. इस डिजिट के नंबर्स का सम किसके साथ, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. एक तो ये नंबर गिवन है, इसका ऑर्डर अगर हम रिवर्स कर दें तो नया नंबर क्या बनेगा. तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर. अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब जैसे पहले यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2, तो 2 को तो पीछे लिख दो, 3 को आगे लिख दो, ये हो गया ऑर्डर चेंज. तो नंबर 23 से क्या बन जाएगा हमारा, 32. ठीक है, अब देखिए हमें इसका क्या निकालना था, सम. तो हम निकाल लेते हैं सम. अब सम कैसे निकलेगा, 23 प्लस में क्या लिखा जाएगा, 32. करो प्लस, 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5. 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5. तो आंसर कितना आ गया, 55. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें, कि राइट द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन निकालना है कब, व्हेन द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर. इस नंबर का किसके साथ सम, इसका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो सम आएगा, इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें इसको, 11. इसने कहा कि जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये बताओ कि कोशेंट क्या आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे है 55, तो 55 को 11 से डिवाइड करके देख लें. सबको पता है 5 पे जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 5. तो हमारा जो कोशेंट बनेगा इस केस में, वो कोशेंट क्या आ जाएगा, 5. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सम ऑफ डिजिट्स. कि हमें जो डिवाइड करना है वो डिवाइड किससे करना है, सम ऑफ डिजिट्स से. अब देखो हमारा नंबर क्या है, 55. डिवाइड किससे करना है, डिजिट्स के सम से. तो डिजिट्स क्या है, 2 और 3, इनका सम क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, 5. तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से. तो आंसर क्या आ जाएगा, 11. तो हमारा कोशेंट कितना आ गया हमारा, 11. ठीक है, समझ आ गया सबको, कोशेंट क्या होता है, सबको पता है ना. कि जैसे देखो 55 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, कुछ नहीं बचा. फिर यहाँ पे 5 नीचे लेके आएंगे, 5 वन जा 5. तो हमारा ये जो आंसर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट. तो ये कोशेंट पूछ रहा था हमसे. ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमें. तो 3 में कहा इसने, राइट द कोशेंट. देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है थर्ड वाला भी. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा थर्ड के बाद, क्योंकि थर्ड भी थोड़ा सेम टाइप का है. तो थर्ड में क्या गिवन है, राइट द कोशेंट. हमें निकालना क्या है, कोशेंट ही निकालना है. ठीक जी, इसके बाद क्या गिवन है फिर, व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर. जब हमें टू डिजिट का एक नंबर गिवन है, ठीक है, टू डिजिट का नंबर, और नंबर क्या है, 83. ठीक है, टू डिजिट का नंबर है 83. देखो पिछले में गिवन था सम, अब की बार क्या गिवन है, डिफरेंस. इतना ध्यान रखना है सबको. ठीक है, फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. तो यहां पर क्या लिखेंगे, न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट. ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट.
डिजिट्स को रिवर्स करके और नया नंबर जो बनेगा वो लिखेंगे, तो 3 तो आगे आ जाएगा, 8 पीछे चला जाएगा, क्या बन गया 38, पुराना नंबर 83, नया नंबर क्या आ गया 38। अब इसने क्या कहा हमसे, डिफरेंस कहा था ना, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का क्या डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा नंबर आगे लिखेंगे, माइनस करके पीछे क्या लिखेंगे, छोटे वाला नंबर माइनस कर दो। 13 में से 8 गया 5, यहां बचे 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, तो क्या आंसर आ गया 45। अब इसने क्या दिया कि जो डिफरेंस है ना इन नंबर्स का, उसको हम क्या कर लें, डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, फर्स्ट केस में 9 से, हमें 9 से डिवाइड करना है। अब देखो 9 से अगर हम इस 45 को डिवाइड करेंगे, 45 को 9 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 5, तो हमारा कोशेंट जो है वो क्या आ गया 5, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट केस में 5, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, अब किससे डिवाइड करना है, डिजिट्स के डिफरेंस से। तो देखिए 45 को डिवाइड करेंगे डिजिट्स का डिफरेंस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 3, तो डिजिट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आंसर आ गया 9। यहाँ पे आप एक लाइन में लिख भी दें, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 भी कम्प्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और ईजी भी हैं और आते भी हैं पेपर में, ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं बहुत, तो ध्यान से देखना है वीडियो को बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमें, तो 4 में इसने हमसे कहा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिल्कुल हमें बिना कैलकुलेशन के क्या करना है, राइट द कोशेंट, हमें कोशेंट लिखना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, कोशेंट, ठीक है। When the sum of a 3-digit number ABC, देखो 3-digit का हमें एक नंबर गिवन है, तो जो जो आपको गिवन है आप लिख लें पहले, 3-digit का नंबर क्या गिवन है, ABC, लिख दिया हमने नंबर। फिर गिवन है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिकली आपको ऑर्डर चेंज करना है इसका। देखो अब ऑर्डर जब हम चेंज करेंगे तो एक एक को चेंज करेंगे, तो देखो ए तो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे पीछे की साइड, फिर सी कहाँ आ जाएगा, हमारा पहले नंबर पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखते हैं एक बार। देखिए ए कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट में है तो लास्ट, सेकंड टाइम पे ले जाते हैं इसको, पहले सेकंड टाइम पे, ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट नंबर पे है, फिर इसको सेकंड टाइम पे ले जाते हैं, फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड टाइम पे, ठीक है। तो हम तीन नंबर्स चेंज कर सकते हैं ऐसे, पहले वाले नंबर में ए पहली पोजीशन पे, फिर दूसरे वाले में बीच में, थर्ड वाले में तीसरी पोजीशन पे, ठीक है। फिर देखिए बी हमारा पहले दूसरी पोजीशन पे है, नेक्स्ट टाइम पे कहाँ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फिर सी को देखो थर्ड पोजीशन पे है, नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट में, और नेक्स्ट टाइम पे सेकंड में, तो हो गए हमारे रिवर्स, हमने कर दिया ऑर्डर, साइक्लिकली चेंज कर दिया हमने। तो एक तो हमारा था ए बी सी, दूसरा क्या बन गया सी ए बी, और तीसरा क्या बन गया बी सी ए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, न्यू नंबर्स, तो मैं लिख देती हूँ न्यू नंबर्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर, ठीक है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नए नंबर बने ये वो नंबर्स गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है हमें, कि हमें कोशेंट लिखना था, कब लिखना था ये कोशेंट, जब हम क्या कर लें, डिवाइडेड बाय, कि जब इन तीनों का सम जो है ना उसको हम डिवाइड कर दें, तो पहले इन तीनों का सम निकाल लें। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना इस चीज को, सम इनका निकालने के लिए पहले हमें ये नंबर देखो थोड़ी सी कन्वर्ट करने पड़ेंगे एक फॉर्म में। अब नंबर हमें गिवन है एबीसी, सबको पता है जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस वाला एज इट इज, फिर प्लस, फिर टेंथ प्लेस वाला जो नंबर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, प्लस, फिर जो 100th प्लेस पे है उसको किससे करेंगे, 100 से, ठीक है यहाँ तक। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, 100 को ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100A, फिर 10 को बी से करेंगे क्या आ गया 10B, सी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन सा नंबर है, सी ए बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी तो एज इट इज प्लस, फिर ए को किससे करेंगे 10 से प्लस, फिर सी को किससे करेंगे हम 100 से, ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा 100C प्लस 10A प्लस बी, ठीक है यहां तक। अब देखो एक काम कर लेती हूँ मैं, ए के नीचे ए वाली टर्म लिख देती हूँ, बी के नीचे बी वाली, और सी के नीचे सी वाली, ठीक है। तो देखो बी कितना है हमारा, सिंगल है ना बी, तो बी को तो लिख देते हैं यहाँ पे, और ये जो ए वाली टर्म थी ये कितनी थी 10, तो 10A कहाँ आ जाएगा, आगे की साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 10A, और C कितना था हमारा
हंड्रेड सी, तो वो चला गया पीछे की साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में यहाँ आगे पीछे लिख दो, बेशक से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है बी सी ए, इसको कैसे लिखेंगे, ए तो यहाँ पे प्लस में, फिर सी के साथ क्या लिखेंगे, टेन, और बी के साथ क्या लिखेंगे हम, हंड्रेड, तो क्या बन जाएगा हमारा, हंड्रेड बी। फिर अब देखो एक काम करते हैं, मैं साथ साथ चेंज कर देती हूँ, देखो बी के साथ कितना है, हंड्रेड, तो हंड्रेड बी हो गया, तो बी के नीचे लिखेंगे हंड्रेड बी, फिर देखो सी वाली टर्म टेन सी, तो सी के नीचे लिख दो टेन सी, फिर ए वाली टर्म यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो इन तीनों का सम निकालना था ना हमें, तो मैं लिख देती हूँ सम ऑफ द नंबर्स, हम तीनों का सम निकालेंगे, तो सम निकाल लेते हैं नंबर्स का, सम ऑफ द नंबर्स। अब इन तीनों का सम यहीं पे निकाल दूं मैं डायरेक्टली प्लस करके, तो देखिए क्या बनेगा हमारा नंबर, यहाँ पे क्या दिख रहा है हंड्रेड, ए के साथ हंड्रेड, यहाँ पे ए के साथ क्या है टेन, यहाँ पे क्या है वन, तो हंड्रेड प्लस टेन वन हंड्रेड टेन, और वन वन हंड्रेड इलेवन, किसके साथ, ए के साथ। फिर देखो बी वाली टर्म, बी वाली टर्म में क्या दे रखा है हमें टेन, और यहाँ पे वन इलेवन, और ये है हंड्रेड, तो क्या हो गया ये भी वन हंड्रेड इलेवन बी प्लस। नेक्स्ट देखो सी के साथ भी क्या दे रखा है हंड्रेड और टेन, वन हंड्रेड टेन और वन इलेवन, तो क्या हो गया वन हंड्रेड इलेवन सी, सब में सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे भी ये सेम है, ये तीनों नंबर सेम है, तो तीनों में से मैंने ये कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस, यहाँ से क्या बचेगा बी प्लस, यहाँ से क्या बचेगा सी, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा सम, ठीक है। अब ये तो हमारा जनरल काम था जो हमें हर पार्ट में करना था, अब इस क्वेश्चन के दे रखे हैं हमें पार्ट क्या, कि ये जो सम है हमारा, हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट केस में 111 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा 111 ए प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड करना है 101 से, ठीक है, 111 से, डिवाइड में यहाँ पे लिख लो 111, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या बचा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी था, इसको डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से, तो ये वाली टर्म और ये वाली सेम है तो कट जाएंगी, क्या बचा 111, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, हमें डिवाइड करना है अब की बार 37 से, तो गिवन है 111 और ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में क्या है 37। अब देखो ये किससे जाएगा हमारा 111 जो है ना 37 की टेबल में आता है, कहाँ पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है, तो 37 की टेबल से काटेंगे तो नीचे तो कट गया वन पे, ऊपर किससे कटेगा थ्री पे, तो क्या आंसर आ गया थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं किससे डिवाइड करना है, थ्री से, थ्री से करेंगे तो वन वन वन, यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या है थ्री, ठीक है। अब ये वन 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 को आप थ्री से डिवाइड करके देख लें, साइड में करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 37, तो क्या आंसर आया 37 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए हमारे चार क्वेश्चंस कंप्लीट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।